दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। अब हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि यूपीटीईटी एग्जाम के रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपीटीईटी का रिजल्ट कब रिलीज होगा, कहां पर रिलीज होगा और कैसे आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको यह भी बताएंगे कि कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने के लिए कट ऑफ मार्क्स का क्या क्राइटेरिया होगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि यूपीटीईटी एग्जाम 18 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड ने सक्सेसफुली करा दिया था। अब जो कैंडिडेट्स एग्जाम में अपियर हुए थे वो अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हालांकि वे थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी ही आंसर की से भी ले चुके हैं। तो जो कैंडिडेट्स यूपीटीईटी एग्जाम में शामिल थे उनके लिए खुशखबरी यह है कि उनका रिजल्ट 8 से 10 नवंबर के बीच में अनाउंस यानी कि पब्लिश होने जा रहा है। और इसको आप सभी कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड की ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और अपने फेल या पास होने की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यूपीटीईटी एग्जाम कट ऑफ मार्क्स की मेरिट लिस्ट भी उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड की ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिलीज होगी। रिजल्ट के साथ साथ ही आप अपनी कट ऑफ मार्क्स की मेरिट लिस्ट भी यहीं से चेक कर सकते हैं। रिजल्ट को देखने के लिए कैंडिडेट्स को अपना रोल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि चीज़ों की जानकारी होनी आवश्यक होगी, अदरवाइज आप अपना रिजल्ट नहीं देख पाओगे। हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम आपको यही सलाह देंगे कि रिजल्ट चेक करने से पहले आप अपना एडमिट कार्ड अपने साथ ले लें और अपने रिक्वायर्ड आस्क्ड इन्फॉर्मेशन इसी में से इनपुट करें। दोस्तों गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल की पूरी टीम एडवांस में ही आपको शुभकामनाएं देती है कि आपका रिजल्ट अच्छा हो और आपको उतने ही नंबर प्राप्त हो जितने कि आपने एक्सपेक्ट किए हुए हैं। दोस्तों हम आपको बताते चलें कि जो लोग इस एग्जाम को पास कर लेंगे तो उनका यूपी स्टेट में गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको यह बताते हैं कि कैसे आप स्टेप वाइज अपना यूपीटीईटी 2018 का रिजल्ट चेक कर सकते हो। दोस्तों रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस पेज पर पहुंचने के बाद यहां पर आप देख सकते हो एग्जाम डेट 18 नवंबर 2018, रिजल्ट की डेट 8 से 10 दिसंबर 2018 टेंटेटिव है, ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद यहां पर आप स्टेप देख सकते हो कि कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। यूपीटीईटी का रिजल्ट चेक करने के लिए यहां पर स्टेप्स दिए गए हैं। यूपी बेसिक ईडीयू बोर्ड .gov.in इस पोर्टल से आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए जाओगे यहां पर आप देख सकते हो चेक यूपीटीईटी रिजल्ट की टैब दी गई है। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। विज्ञप्ति यहाँ पर दी गई है आंसर की के लिए प्राथमिक स्तर उत्तरमाला उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और उच्च प्राथमिक स्तर उत्तरमाला उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। जैसे यहाँ पर आपको आंसर की के लिए लिंक दिया गया है, ऐसे ही जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपको रिजल्ट का लिंक भी यहीं पर मिल जाएगा। उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको वहाँ पर अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसमें फिल करनी है और फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। तो ऐसे आप सिंपली अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।